कैसे हैं? वेलकम बैक टू माई चैनल। और जी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ कौन नई रेसिपी के साथ, तो मेरे साथ ही रहिएगा। चलें जी स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे ले लिया अदरक, थोड़ी सी अदरक ले ली, एक मीडियम साइज का टुकड़ा, और ये ले ली मैंने लहसुन 8 से 9, और ये 5 से 6 हम ले लेंगे रेड मिर्च हो या ग्रीन मिर्च हो, चिली जो स्मॉल साइज़ की होती हैं वो ले ली। इसको हम ब्लेंड करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 कप जितना ऑयल। देखिए मेरे पास है चिकन, इसको मैंने इस तरह कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, इस तरह ही इस तरह मैंने कट कर लिया। ये 1/2 kg हमारे पास चिकन थी, अब ऑयल में इसको ऐड कर देंगे हम। चिकन मिक्स कर दिया, अब ये जो ब्लेंड किया था हमने मिक्स कर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है तंदूरी मसाला, सबके घरों में मौजूद होता है, तो ये हम 2 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून जितना ऐड कर लिया, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑयल मुझे कम लगा है, थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया हमने। अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। जब ये कुक हो जाएगी देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे हम पानी, उसको ढक के रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और फिर जब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो जितनी इसमें कसर रह जाएगी वो उतनी उसमें भुनाई के वक्त पूरी हो जाएगी, तो ये अच्छे से जूसी जूसी सी बन जाएगी हमारे चिकन, क्योंकि इसके पीसेस लार्ज नहीं है, ये स्मॉल साइज़ के पीसेस हैं, तो ये जल्दी कुक हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको मैं ढक के रखते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ पे मेरे पास है देखें, एक मुट्ठी और ये दो मुट्ठी जितना पुदीना, ये धनिया है हमारे पास एक मुट्ठी जितना धनिया है। इन दोनों को हम ब्लेंड करेंगे, और ये हमारे पास बड़ी हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंड करते हैं साथ मिक्स करके, और फिर थोड़ा सा चिकन में ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम दही के अंदर ऐड करेंगे ग्रीन रायता बनाने के लिए। तो देखें, तो जी यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिक्सचर आप उसमें डाल दिया था चिकन में, और हाथ हमारा इसी जूसर में रह गया। तो जी हम क्या करेंगे, अब ये सारा का सारा धनिया पुदीना हरे मिर्च ही इसमें ऐड कर देंगे और ब्लेंड कर देंगे। ठीक हो गया, हमारा ये मिक्सचर ब्लेंड हो गया। अब हम 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए मैं आपके सामने ऐड कर दूँगी चिकन को भी होगी, तो अब हम इसको 1 टेबल स्पून जितना तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसे। कैसा प्यारा सा कलर आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसके। अब ये और कुक होगी तो और देखिएगा आप लोग। अच्छा जी, चिकन ने पानी छोड़ दिया है, जब भी मैंने
वन टेबल स्पून जितना पानी ऐड किया था। अब देखिए चिकन ने पानी भी छोड़ दिया, उसी पानी में ये हो जाए। मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों के घर में स्पाइसी मतलब स्पाइसी खाना खाया जाता है तो आप लोग हरी मिर्चों में 2 हरी मिर्चें और ऐड कर लें, और अगर आप लोगों के घर में कम स्पाइसी खाना खाया जाता है तो आप लोग हरी मिर्चों को स्किप कर दें। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मल खाया जाता है तो मैंने नॉर्मल ऐड किए हैं। सॉल्ट भी इसी हिसाब से, अगर किसी के घर में ज़्यादा खाया जाता है तो वो उस हिसाब से डाल लें और बनने के बाद टेस्ट कर लें आप लोग, और जिसके घर में कम खाया जाता है वो कम ऐड करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, सॉल्ट तो तेज़ ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है, बाद में और ऐड इन हो जाता है वो तो। अच्छा जी, ये जो मिक्सचर बचा है अब हम इसको दही के अंदर में मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा, हमने यहाँ पे ज़ीरे को रोस्ट कर लिया हल्का सा, या हमारे पास है 2 टेबल स्पून जितना ज़ीरा। तो अब हम इसको रायते के अंदर ऐड करेंगे, इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। इसको हमने रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। हमने दही को अच्छे से फेंक लिया, अब इसमें हम ये मिक्सर ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मिक्सर हम ऐड कर देंगे। देखिए 2 टेबल स्पून जितना मिक्सर ऐड कर दिए, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून जितना ये हमारे पास सॉल्ट है, 1 टी स्पून जितना हमारे पास इसका हुआ गर्म मसाला, 8 टी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। सारी चीज़ को मिक्स करेंगे अच्छे से। इंतहाई खूबसूरत कलर चेक करना, ये हमारा बन गया ग्रीन रायता पराठे के ऊपर बनाने। ये आप लोग और भी चीज़ों के लिए बना सकते हैं, बारबेक्यू और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये बहुत मज़ेदार डिलीशियस बनता है और मज़े का लगता है, बहुत ही डिलीशियस। और इसको आलू के पराठों के साथ, अगर किसी को चावलों के साथ ग्रीन चटनी ग्रीन रायता पसंद है तो ये देख लें, उसके साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हमारी रेडी होगी एक चीज़, चिकन हमारी बन रही है अभी। चलिए चिकन चेक करते हैं हम, ये देखा चिकन हमारी रेडी होगी। इसे हमने इतना फ्राई किया, इतना हम इसको ऑयल के अंदर इतना भुनाई करेंगे कि देखें इस तरह का ब्राउनिश तक कलर आ जाए इसके ऊपर, इस तरह का कलर आ जाए। तो देखें ये रेडी हो गई हमारी चिकन भी, थोड़ा सा मसाला रहने देंगे हम ताकि मसालेदार चिकन बने, अच्छी लगेगी मसाले वाली चिकन। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना इसमें दही ऐड होगा। इसमें हम ऑयल ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये पराठों के अंदर जाएगा, पराठे भी ऑयली होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखेंगे हम इसे। लेकिन ये भी हमें मतलब इतना ज़्यादा ऑयल नहीं नज़र आ रहा, नॉर्मल ऑयल में हमने इसकी भुनाई कर ली अच्छे से, ये गोल्डन गोल्डन सी हो गई चिकन हमारी, ये रेडी हो गई। और जब भी कोई वाइट चीज़ हम डालते हैं, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो दही हो, तो हम स्लो फ्लेम करके फिर डालें। कितना अच्छा सा मसालेदार चिकन रेडी हो गया हमारा, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे यहाँ रख देंगे। ये दो चीज़ें हमारी रेडी हो गई। चले जी आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को, मेरे साथ ही रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन विथ ग्रीन रायता। चलें जी अब हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं और इन सब चीज़ों को असेंबल करते हैं, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये मैंने मैदे का पराठा बना लिया है, अब इसमें ग्रीन रायता लगा देंगे पूरे पे अच्छे से। ये देखिए ये मैंने लगा दी अच्छे से, खूबसूरत लग रहा है। अब इस पर हम लगा देंगे
चिकन की लेयर लगा देंगे अब हम इस पर। ये हमारे पास चिकन है, इसकी लेयर हम लगा देंगे। ये पूरी हमने चिकन की लेयर लगा दी। ये देखो, देखो इस तरह लगा दी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक, जो हमने बनाया था वो यूँ ऐड करेंगे हम अच्छे से, बस ठीक है। ये ऐड कर दिया, अब ये कॉर्नफ्लोर पेस्ट एक बार यहाँ स्प्रेड कर देंगे। देखिए बहुत ही डिलीशियस ये बन रहा है। स्प्रेड कर दिया हमने, अब इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये देखिए ये रेडी है हमारा। मैं बाइट लेके बताती हूँ आप लोगों को कैसे। वेरी डिलीशियस। एक बाइट ही बहुत हैवी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि मैं आगे और मज़ीद मज़े की रेसिपी लेकर आऊँ। चलिए जी, मेरे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे कौन कौन सी रेसिपीज आप लोग देखना पसंद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।